अगर ये कहती हैं कि अब मुझे सही कर दो, मुझे इंसान बना दो, तो है पॉसिबल? है पॉसिबल तो नहीं, मैं इनके लिए जान दे दूंगा वैसे। मतलब ये आधा इंसान है और आधा ये जानवर है। डर तो नहीं लगा? क्यों, मैं कुछ जिन्नू ये मेरी दुम है, ये पांव है, ये हाथ है और ये जिस्म है। बोलती है, बातें करती है और बातों का जवाब देती है। दुनिया की तारीख बताती है कि इंसान हमेशा से अजीब व गरीब मखलूकात को देखना पसंद करता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के चिड़ियाघर में और मैं इस वक्त यहाँ मुमताज़ महल के बाहर खड़ा हूँ। हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुमताज़ बेगम है क्या और इसको किस तरह साइंस ने दरियाफ्त किया है। इनका कहना है कि ये साइंस की कोई तख्लीक है, तो आइए हम जानते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वाकई ये कोई साइंस का कमाल है या ये इनकी कोई अपनी साइंस है। मेरे साथ रहिए। आप यहाँ पर कब से हैं? मुझे यहाँ पर 47 ईयर, 47 साल हो चुके हैं। इससे पहले ये सुनने में आया था कि आपके वालिद साहब भी आपकी जगह होते हैं। मैं ही हूँ, वालिद साहब भी मैं ही हूँ। अच्छा, आपका अपना नाम क्या है? मेरा नाम मुमताज़ बेगम है, नाम है कि जो फेमस हो चुका है मुमताज़ बेगम। ये अपनी कहानी बताएं, क्या हुआ आपके साथ ऐसा कि? ये अफ्रीका में जब मैं पैदा हुई थी ना, तो अफ्रीका के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके मेरा जिस्म जानवर का बनाया है। ये साइंस का कमाल है और मुझे यहाँ पे 47 ईयर्स हो चुके हैं। बॉडी जो सी आपकी है, इसमें मूवमेंट वगैरह? जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इधर देखिए, ये मेरी दुम है, ये पांव है, ये हाथ है और ये जिस्म है। सर इंसान का जिस्म जानवर का नाम मुमताज़ बेगम है, अफ्रीका की मैं रहने वाली हूँ। बच्चे आपको देख कर कैसा फील करते हैं? बच्चे भी इंजॉय करते, खुश होते हैं, वो अपने अपने क्वेश्चन करते हैं और खुश होकर चले जाते हैं। बच्चों के जो सवाल होते हैं वो क्या होते हैं? बच्चों के सवाल यही होते हैं, आप कहाँ से आई हैं, क्या खाती पीती हैं, स्कूल जाती हैं, ये वो। आपका साइंसी एक्सपेरिमेंट था, ये कब हुआ था? ये अफ्रीका में हुआ था, आज से 57 ईयर्स पहले। एक और चीज़ मुझे बताया, जैसे कि अभी आपकी बॉडी है जो कि घर आपका अलग है और जानवर का आपका जिस्म है, तो इसमें कोई तकलीफ कुछ? शुरू में थी, अब नहीं है, रिलैक्स हूँ, इजी फील। तो अभी आप सांस ले रही? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, आप देखेंगे और से पेट आपको हिलता हुआ दिखाई देगा। कोई मुतालबा, कोई रिक्वेस्ट, कोई मैसेज देना चाहें आप, आखिरी कोई पैगाम? बस मैसेज सबको यही देना चाहूँगी कि सब एक दूसरे को विश किया करें और हर इंसान के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह सबके लिए बेहतर करे। आप मर्द हैं, औरत हैं, क्या है? मैं फोक्सो मादी हूँ। मादी है जी, फोक्सो। और आपकी एज बता दें? एज मेरी 57 हो चुकी है। 57 ईयर्स ओल्ड। शादी वगैरह? जानवरों की शादी नहीं होती, अगर होती तो जरूर कर लेता। आपको नहीं लगता कि हमारे ऐसे और अजूबों की जरूरत है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, आपको पाकिस्तान के हालात का पता है अभी? क्या आप कहाँ, कैसे पता चलता है आप? बस कैसे पता चलता है, खबरों में सुनने में आते हैं, लोगों के बताने से आता है। मोबाइल वगैरह यूज करती हैं? नहीं, मोबाइल यूज नहीं करती। काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मुमताज़ बेगम का पहले देखा? मुमताज़ नहीं, तो शर्मा क्यों रहा? फर्स्ट टाइम आए इसलिए। तो मतलब शर्म, रिश्ते विश्ते की बात करनी है? नहीं, रिश्ते की बात नहीं। अच्छा, मैंने सुना आप पेशे से आप डॉक्टर हैं। जी, डॉक्टर डॉक्टर। आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं? यार साइंस मुझे पहले फर्स्ट टाइम टीवी में देखा, न्यूज़ में देखा, मीडिया पे ना, तो यकीन तो नहीं आ रहा, पर देख के पता चल जाएगा। तो अगर ये कहती हैं कि अब मुझे सही कर दो, मुझे इंसान बना दो, तो है पॉसिबल? है पॉसिबल तो नहीं, मैं इनके लिए जान दे दूंगा बस, उसके खातिर हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, सर खुश हो जाए। खुश हो जाए, है ना, उसको रियलाइज हो कि इनके दुख में भी शरीक है थोड़ा बहुत। ये आपने मुमताज़ महल में मुमताज़ बेगम को देखा? जी बिल्कुल देखा है। कैसा लगा? मतलब ये आधा इंसान है और आधा ये जानवर है, अच्छा लगा देखकर। डर तो नहीं लगा? क्यों, मैं कुछ जिन्नू मैं क्यों डरूं किसी से। अच्छा, क्या लगता है ये कितना हकीकी है या सच है, कितना झूठ है? 100% रॉन्ग, 100% रॉन्ग, क्योंकि ये ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं। अगर अल्लाह की कोई ऐसी मखलूक होती भी है तो वो दिखती नहीं है, अगर दिखती भी तो इस तरह नहीं दिखती जिस तरह ये दिख रही है। रॉन्ग रॉन्ग। इनसे बातें की? बातें हाँ, गाना बहुत अच्छा गाती हैं ये। गाना कौन सा गाना सुना आपने? पता नहीं कौन कौन से गाने, लेकिन मुझे समझ नहीं आया गाने गाती हैं ये। अच्छा, इनसे ये कहा जाता है कि इनसे अगर कोई दुआ की जाए तो ये पूरी हो जाती है? नहीं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं, वो है ही नहीं रियल, तो कहाँ से उनकी दुआ पूरी होगी, वो तो जस्ट एंजॉय के लिए बनी है हमारे।
बच्चों हाँ पैसे लेने के लिए नहीं। दुनिया की तारीख बताती है कि इंसान अजीब और गरीब मखलूकात को देखना पसंद करता है और इसमें दिलचस्पी रहता है। शायद इसी वजह से 40 सालों से मुमताज़ बेगम मुल्की और गैर मुल्की लोगों से मुलाकात कर चुकी है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।